में होने का एहसास दिलाई है और दोनों हाथ उठा के बोली हो सुभान अल्लाह। आप इनको घूर घूर के न देखे, अल्लाह के फजल से हजारों लाखों के मजमे में रोजाना पढ़ते हैं। हाँ ये तो आप अपने मुकद्दर पे नाज करें, इन्होंने तारीख यहाँ के लिए दे दी और ऐसा सुने ताकि ये अगले साल अगर आप बुलाएं तो डायरेक्ट आ जाए। बोले मैं तो इंतजार में था कब आप फोन करें, और अगर आपने ऐसा सुना ऐसा सुना और यहाँ से ये उदास होकर गए तो सारी जिंदगी याद रखो आ नहीं सकते। आपको जरूरत है इनकी, इन्हें आपको आपको जरूरत नहीं है, इनको आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनोगे तभी कोई पढ़ने वाला अगले साल को यहाँ आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप समझदार लोग हैं, बस एक मतलब और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूँ, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता। साथ ही साथ नदीब अहले सुन्नत तकरीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना समी अख्तर रामपुरी बैठे हैं, इधर तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। अच्छा शेर पढ़ता हूँ, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता। खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। और ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, उम्मत को मेरी भेज में तनहा नहीं जाता। जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, उम्मत को मेरी भेज में तनहा नहीं जाता। और दरबारे खुदा बंदी से आवाज ही आई, दरबारे खुदा बंदी से आवाज ही आई, गुस्ताखे नबी को यहाँ बख्शा नहीं जाता। दरबारे खुदा बंदी से, दरबारे खुदा बंदी से आवाज ही आई, गुस्ताखे नबी को यहाँ बख्शा नहीं जाता। और अच्छा शेर पढ़ता हूँ, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा। आज हर इंसान, आज पूरी दुनिया का आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर देखे, जो भी कोई है बस ये चाहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को मिटा दिया जाए। लेकिन आज हम हैं, आपस में मोहब्बत नहीं करते, आपस में हम प्यार के साथ जिंदगी को नहीं गुजारते। हमें जरूरी है अपनी जिंदगी को अच्छा करें, अपने किरदार को अच्छा करें। याद रखो जब मुसलमानों को मिटाने आता है दुनिया से खुद मिट जाता है, जो कुरान को मिटाने आता है दुनिया से खुद मिट जाता है, जो कुरान को मिटाने आता है दुनिया से खुद मिट जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। और कुरान का कोई न जबर मिटा सकता है, न जेर मिटा सकता है, न पेश मिटा सकता है, इसलिए नहीं मिटा सकता। कुरान की हिफाजत करने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कुरान की हिफाजत करने वाला खुद परवरदिगार आलम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, चौदहवां पारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो खुदा की कसम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है। खुदा की कसम, बस शर्त ये है अपने तौर तरीकों को अच्छा कर लो, नमाजों की पाबंदी करके जिंदगी को गुजारो, रोजाना कुरान की तिलावत किया करो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करा कर किया करो, उलमा से प्यार किया करो, अपनी मस्जिद के इमामों से मोहब्बत किया करो, मदरसे के मदरिस से मोहब्बत किया करो, फिर वो दिन दूर नहीं है खुदा की कसम जब दुनिया की सारी हुकूमतें मुसलमानों के कदमों में आ जाएगी। जरूरी है हमें अपने आप को अच्छा करना है। आज हम करोड़ों की तादाद में है फिर भी सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एक दौर वो था कुल 313 मुसलमान थे, लेकिन जीत हुई थी तो 313 मुसलमानों की हुई थी। वजह क्या थी, उन्हें जीत क्यों मिली, उनको जीत इसलिए मिली उनमें अल्लाह पर यकीन था, भरोसा था, यानी उनका ईमान मजबूत था। आज हम दलाली खाते हैं, आज हम दलाली करते हैं, आज हम खुदा की कसम अपने माल की ज़कात तक नहीं निकालते, माल का उश्र तक नहीं निकालते, फिर कहते सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। वक्त बहुत हो रहा है, मैं बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर,
तमाम उलमा इकराम की हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, और शक्कर खिला के सिखा कर नमाज बच्चों को, शक्कर खिला के सिखा कर नमाज बच्चों को गुलाम हजरत बाबा फरीद कर दूंगा, और जो मुंह बिगाड़ के लेगा, जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा, जो मुंह बिगाड़ कर लेगा मेरे हुजूर का नाम तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। और याद रखो हम नबी के आशिक हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। मैं तो यही कहता हूँ, चाह गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, आपका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ, जो आपके गुलाम को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ, जो आपके गुलाम को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छे शायर बैठे हैं, पूरे मोड में हैं, लेकिन उनसे कबल 10 मिनट की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और ताई रजा रामपुरी से कबल कुछ माहौल बना लीजिए ताकि वाकई ताई रजा रामपुरी का दिल खुश हो जाए और ये बार बार आपकी बस्ती में आने के लिए तैयार हो जाए। तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नदीब हिंदुस्तान मौलाना समी अख्तर रामपुरी की आमद आमद है। इस्तकबालिया नारा लगा ले, जरा दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर। अगर इतनी मेहनत से नारा मैंने लाखों के मजमे में, क्या 2 लाख के मजमे में भी लगा दिया होता ना, तो 2 लाख का मजमा दोनों हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाता। आप चंद बैठे यही नहीं समझ रहे मौलाना कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम आराम आराम से भी बोलना जानते हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बेदार हो जाए। हाँ, और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे इसमें नुकसान भी है, या मैं तो जब उम्र ज्यादा हो जाएगी इसका तब एहसास होगा, अल्लाह न करे ऐसा हो। पूरी ताकत से बोले नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला जो दोनों हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं अल्लाह उन्हें जन्नती बना दे। अब सब जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, और अल्लाह फरमाता है इन्ना लबरवारा लफी नईम, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। अल्लाह आगे फरमाता है इन्ना फुज्जारो लफी जहीम, बेशक मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। जन्नत भी बनाई है जहन्नम भी। इस पे बात करने लगा घंटों हो जाएंगे, मैं निजामत करने के लिए आऊँ, जरा दोनों हाथ उठा ले नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान बिलक सराय के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद।